ये इंडिया का खेल है। यहाँ हर बोली है पंगे वाली, चाहे वो बैट पर हो। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आप सभी का स्वागत है दीमान ब्लॉग में। और आपको पता होगा कि हमारे कबड्डी हरियाणा का जो एक बहुत बहादुर खेल हम जो कबड्डी कहते हैं, कबड्डी खेल में हमारे ऑक्शन शुरू हो चुके हैं। और अभी अभी मुझे पता चला कि पवन सरावत जो बेंगलुरु बुल्स में रहे हैं उन पर बोली लगाई गई है। पवन सरावत पर अब की बार 2022 में उन पर बोली लगाई गई, 2,38,00,000 रुपए की उन पर बोली लगी है। और मैं आपको बता देता हूँ उनका सिलेक्शन कौन सी टीम में हुआ है। रावत पहले बेंगलुरु बुल्स में थे, अभी उन्हें उन पर 2,38,00,000 रुपए की बोली लगाकर तमिल तलाईवेज ने उन्होंने पवन सरावत को सोल्ड कर लिया। अभी वो तमिल तलाईवेज की तरफ से पवन सरावत खेलेंगे। और आपको बता देता हूँ प्रदीप नरवाल भी हमारे टॉप रेडर है, जिन्होंने एक रेड में सात पॉइंट की लीड मिली थी। और उन वो आपको पता है कि उनका भी नाम चल रहा है, उन्हें किसी ने भी अब तक एक रेड में 7 पॉइंट नहीं ली थी। और प्रदीप नरवाल के ऊपर 90,00,000 रुपए की बोली लगी है, जो 2022 में 90,00,000 रुपए की बोली लगी है। ये भी टॉप प्लेयर है हमारे, और प्रदीप नरवाल दोबारा से यूपी योद्धा में है। और ऐसे ही आपके लिए शानदार वीडियो लाता रहूँगा, और प्लेयरों के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। और आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो कबड्डी से प्यार करते हो हैशटैग पवन सरावत और हैशटैग प्रदीप नरवाल के नाम से आप इसमें कमेंट कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय अभी के लिए।